आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 591वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सीने आए और आकर चले गए। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री जब सीने आए तो सीने में उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही, हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री सीने आए तो उनके द्वारा सिवनी की बजाय उनका पूरा का पूरा भाषण लखन कुंवर की नगरी लखनादौन पर केंद्रित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लखनादौन उनके जहन में, दिमाग में लखनादौन है और वे लखनादौन को ही आधार बनाकर अपनी बात कह रहे थे। बार बार उनके द्वारा आदिवासी अंचल लखनादौन, लखन कुंवर की नगरी, इस सबका उल्लेख किया गया। और अंत में उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत काम करना है सभी को, लखन कुंवर की नगरी लखनादौन में जाकर लोगों को बताना है कि नरेंद्र मोदी ने प्रणाम भेजा है। इसका बिल्कुल सीधा अर्थ यही है कि उन्हें सिवनी और लखनादौन के बीच में जो भेद है वो बताया नहीं गया। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि प्रधानमंत्री का 5 नवंबर को सिवनी या लखनऊ, दो जगह में से एक जगह कार्यक्रम तय किया गया था। और इस कार्यक्रम में सिवनी या लखनऊ दोनों की ही उनकी भाषण के लिए सारी चीजें बुलाई गई होंगी और भूल से लखनऊ की स्क्रिप्ट या लखनऊ के बारे में उन्हें बताया गया होगा, जो प्रधानमंत्री के द्वारा लखनऊ के बारे में सारी बातें। बीझावाड़ा में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में ये सभा कराई जा सकती थी। बहुत ज्यादा दूरी हो गई थी और प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, सभा स्थल को समतल करना पड़ा। सभा स्थल को समतल करने के साथ ही वहां पर जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी वो सारी, चार दीवारी से घिरा हुआ बीझावाड़ा का स्टेडियम है, कई साल हो गए उसे तैयार हुए पर वो अभी तक बीझावाड़ा का स्टेडियम आरंभ नहीं हो पाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जब महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, सबसे पहले बतौर प्रधानमंत्री यहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में आई थी। उसके उपरांत 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आने के बाद 1993 लगभग 80 से 90 और 93 13 साल के बाद पीवी नरसिम्हा राव बतौर प्रधानमंत्री सिवनी आए थे। इंदिरा गांधी जब आई थी तो स्टेट बैंक के सामने वाला जो मैदान है वो मैदान खाली पड़ा रहता था, वहां पर कुछ भी नहीं था। जो आप दुकानें देख रहे हैं तब वे दुकानें वहां नहीं हुआ करती थी, वहां बांस के बैरिकेड्स लगाकर उनका सभा स्थल बनाया गया था। इंदिरा गांधी जिस हेलीकॉप्टर में आई थी वो अस्पताल, और अस्पताल के ठीक सामने जो आपने शिखर चंद जैन महाविद्यालय, जो बाद में जैसे भूत बगला कहा जाने लगा, उसके पास में हेलीकॉप्टर उतरा था और वहां से वे पैदल पैदल वहां स्टेट बैंक के सामने वाले मैदान में गए थे और वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया था। 1993 में 13 बरस के बाद नरसिम्हा राव सिवनी आते हैं। नरसिम्हा राव जब सिवनी आए तो उनके द्वारा 1993 में पॉलिटेक्निक मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरा और पॉलिटेक्निक मैदान में ही नरसिम्हा राव के द्वारा सभा को संबोधित किया गया था। इसके 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी सिवनी आते हैं प्रधानमंत्री के बतौर, और सिवनी शहर की हम बात कर रहे हैं। सिवनी में इसके बाद नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी जब 1993 के बाद 2023 में 30 बरस के बाद आए तो एक बहुत लंबा गैप हो गया था, बहुत लंबा अंतराल हो गया। प्रधानमंत्री का आना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो बतौर प्रधानमंत्री 4 लोग आए हैं, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी लखनऊ में आए थे, नरसिम्हा राव सिवनी में आए थे, नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री के रूप में बीबीसी में आए। प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी बातें कही गई वे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। और एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसमें सिवनी नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी नहीं पहुंचे। बहुत सारे संदेश जिन्हें कहा जाना चाहिए
से सबसे बाहर निकल कर गए। बहुत चीजें जो हैं लोगों की समझ से परे, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर प्रदेश में आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का उनके साथ कमोबेश माना जाता है कि मुख्यमंत्री भी होते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सभा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1.5 दशक से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा सामने क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिवनी क्यों नहीं पहुंचे? ये बात भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री के सिवनी आने के बाद उनके द्वारा कोई घोषणा सिवनी को लेकर नहीं, मध्य प्रदेश को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जो अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं। मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने कही, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, मेडिकल कॉलेज अभी आरंभ नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज चूंकि केंद्र से NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल से अभी उसकी अनुमति नहीं मिली, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कब आरंभ हो पाएगी नहीं कहा जा सकता। हम आपको बता दें सिवनी में शिखर चंदन महाविद्यालय स्टेट बैंक के सामने वाले जो ग्राउंड है वहां पर लगता था, उसके बाद डिग्री कॉलेज के लाल बिल्डिंग नॉर्मल स्कूल की बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज लगा करता था, उसकी बिल्डिंग बहुत बार सिवनी में ITI SP बंगले के सामने लगा करता था, उसकी बिल्डिंग बहुत बाद में बनी। केंद्रीय विद्यालय जेल में लगा करता था, उसकी बिल्डिंग कितने समय के बाद नोटा सिवनी में बनी। मेडिकल कॉलेज चाहते तो सिवनी में आरंभ हो सकता था, बिल्डिंग बाद में बनी। ऐतिहासिक न जाने कितनी बिल्डिंग्स हैं जो खड़ी हैं, कॉन्क्रीट जंगल बनकर खड़ी हैं, जो अब जर्जर अवस्था में। अगर आप भैरवगंज जाएंगे, भैरवगंज में आदिवासी विकास विभाग का एक हॉस्टल कई सालों से खाली पड़ा हुआ, जाने के रास्ता नहीं है, बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी। बहरहाल केंद्र की कोई योजना सिवनी को मिल जाती। उत्तर दक्षिण गलियारे में स्थित है और जो वाणिज्यिक कॉरिडोर बन रहा था, उस वाणिज्यिक कॉरिडोर का क्या हुआ? सिवनी से होकर वो गुजरने वाला था, जिसे बाद में सागर से भोपाल होकर ले जाने का प्रयास किया गया था। उस संबंध में बालाघाट के सांसद धन सिंह बिसेन मंच पर मौजूद थे, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मंच पर मौजूद थे, वे प्रधानमंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करा सकते थे। ये चूंकि केंद्र का मामला था, इसलिए उसका जो अलाइनमेंट चेंज हुआ है नहीं हुआ, वस्तुस्थिति क्या है, ये कोई नहीं। प्रधानमंत्री 30 साल बाद आए, बहुत बड़ी उपलब्धि सिवनी के लिए है। और आजादी से आज तक सिर्फ 4 ही बार प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री को यहां पहुंचा है। सिवनी को अगर प्रधानमंत्री आए थे और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, तो प्रधानमंत्री का ये जो आगमन हुआ है, इस आगमन को इतना वृहद रूप में प्रचारित किया जाता कि जिसका सियासी नाम भारतीय जनता पार्टी ले सकती थी। बहुत इसको क्या कहा जाए कि वो क्यों नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष और अन्य लोग इस बारे में बता पाएंगे। 13 प्रत्याशियों को, सूत्रों का कहना है कि 13 प्रत्याशियों को बुलाया गया था। उन 13 प्रत्याशियों में से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट 3 जिलों के प्रत्याशी थे, और उसके अलावा मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते स्वयं प्रत्याशी हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं प्रत्याशी हैं, वे भी आए हुए थे। नरेंद्र मोदी की सभा में 40,000 से 50,000 की भीड़ थी। इस भीड़ में भीड़ को वोट में कितना कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर 50,000 आप मान लेते हैं तो 13 प्रत्याशियों के हिसाब से 4,000 एक प्रत्याशी के खाते में आने की, अगर आप गणित के हिसाब से चलते हैं तो 4,000 एक प्रत्याशी ने अपनी विधानसभा से लेकर आया होगा, ऐसा मान। ऐसी स्थिति में अब उस भीड़ को वोट में किस हद तक तब्दील किया जा सकता है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 17 नवंबर को मतदान, आप मताधिकार का उपयोग जरूर करें, और भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट होती है इस बारे में वास्तविक चीज, वास्तविकता 17 नवंबर या 3 दिसंबर जब काउंटिंग है, मतगणना के समय स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं। पिछली बार नरेंद्र मोदी छिंदवाड़ा आए थे, छिंदवाड़ा में जो लोग चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी की सभा में, जब छिंदवाड़ा आए थे तो छिंदवाड़ा में 7-7 कांग्रेस ने जीत गई थी। हो सकता है कि ये उस समय की जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही हो, पर अब सिवनी की 4 विधानसभा सीटों में मुकाबला कैसा होगा, कैसे प्रत्याशी अपने अपने
मतदाताओं को रिझाएंगे, ये कहना थोड़ा सा फिलहाल कठिन होगा, क्योंकि इतने सारे एंगल्स हैं, इतने सारे कोण, दृष्टिकोण, रास्ते खुले हुए हैं कि आप कोई सटीक तौर पर नहीं पूर्वानुमान लगा सकते। इसके अलावा और आने वाले समय में क्या होगा ये भी कहना बहुत खम ठोक कर कहना बड़ा मुश्किल होगा। सब कुछ निर्भर है प्रत्याशियों की मेहनत पर। बीच में 5 दिन नरक चौदस, धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, प्रथमा और फिर भाई दूज, 5 दिन अब चुनाव का प्रचार उस स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि जब प्रत्याशी कहीं जाएंगे तो लोग अपने पूजा और अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे। 5 दिन वो कम कर दिए जाएं जिसमें बहुत ज्यादा प्रचार की उम्मीद शायद नहीं है। 17 नवंबर को मतदान है, अपने मताधिकार का उपयोग कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय जरूर समाचार एजेंसी पीडिया के साइन और दिल्ली की लालटेन 591 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में डिम्पी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। 7 बजे रोजाना इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ डिम्पी की लालटेन का 592 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।